Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for regular updates. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरफराज कुंस्ट आर्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से वाटर कलर में पेंट कर सकते हैं माउंटेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइंग कर लेंगे जो भी आपका रेफरेंस फोटो है उससे। तो ड्राइंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अब चलेंगे कलरिंग की ओर, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, हमेशा वाटर कलर में हम लाइट आउटलाइन करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि बैकग्राउंड का जो स्काई बनाने वाले हैं उसे हम पानी से भिगो देंगे अच्छी तरीके से। पानी से भिगाने के लिए इसलिए कहा मैंने क्योंकि पानी से अगर भिगो लेंगे, अगर इस पर कलर लगाएंगे तो उसका फ्लो बहुत ही प्यारा आता है। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पहले पानी से एक लेयर लगा लूँ अपने उस पर पेपर पे। तो सबसे पहला लेयर कलर का होगा, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और कलर बहुत कम यूज करेंगे। तो उससे क्या करेंगे कि पहले हम अपना ब्लॉकिंग करेंगे, जहाँ जहाँ पे एरिया पे मुझे वाइट स्पेस छोड़ना है वहाँ वहाँ पे छोड़ के और बाकी जगहों पे कलर लगा के उसे मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ब्रश को ज़्यादा ना घिसे पेपर पे, नहीं तो उससे क्या होगा कि पेपर ख़राब होने के चांसेस है। इसीलिए ब्रश को हमेशा जेंटली उस पर फेरें ताकि वो आसानी से मर्ज हो जाए एक दूसरे में। तो स्काई हमारा हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ जो कि है माउंटेन। माउंटेन पे करना है कि पहला लेयर लगाना है जिसमें ना ज़्यादा पानी ना ज़्यादा कलर, तो दोनों की मात्रा लगभग सेम रखेंगे और इस बात का ध्यान रखते हुए चलेंगे कि जहाँ जहाँ पे हमें वाइट स्पेस छोड़ना है वहाँ वहाँ पे छोड़ते हुए चलेंगे। और इस हमेशा जब अगर ये कर रहे हैं कि उसके फिलिंग कर रहे हैं पहला लेयर, तो उसका जो एजेज है वो सूखने ना पाए, उसको उसी के साथ साथ एक साथ लेते हुए चलें और जहाँ पर शार्प एजेज है वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। लेयर हो गया तैयार। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे हमें लगे कि डार्क है वहाँ वहाँ पे डार्क कलर लगाएंगे और उसको उसी वक्त ब्रश को धोते हुए मिक्स करते जाएंगे।
ब्रश को धोएंगे और मिक्स करेंगे, फिर स्ट्रोक्स लगाएंगे उसे, ब्रश को धोएंगे और मिक्स करेंगे। आप चाहे तो दूसरा ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिर में करेंगे क्या कि अगर देखें कि जहाँ जहाँ पे लगे कि और ज़्यादा डार्क होना चाहिए तो वहाँ वहाँ पे और ज़्यादा डार्क कलर लेंगे और अप्लाई करते जाएंगे। माउंटेन हो गया कंप्लीट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइट वाइट जगह कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उस पर और ज़्यादा कलर अप्लाई करेंगे। लेकिन कलर अप्लाई करने से पहले एक बात हमेशा याद रखें कि जब अगर आपका सब कुछ हो गया हो कंप्लीट और अगर आप कलर लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको शार्पेज दे देता है, इस वजह से वो अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए क्या करें, पहले पानी अप्लाई कर ले जिस भी एरिया में कलर आपको लगाना है दोबारा, तो उसमें पानी अप्लाई करें, उसके बाद कलर उसके अकॉर्डिंग कलर ऐड करते जाएं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।